भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मेरा इरादा तो है कि मैं साइकिल लेने जा रही हूँ। सो लेट्स सी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं साइकिल लेने जा रहा हूँ। किसके लिए? मेरे लिए या अपने लिए? अपने लिए। आप खुश नहीं नजर आ रहे साइकिल लेने के लिए? ऐसे खुश होते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। फाइनली हमारे मामा बाबा को हमारा ख्याल आ गया है कि हमें साइकिल दिलवा दे, लेकिन बाबा को कुछ काम हो गया था, तो हमने उतनी देर उनको कह दिया था कि हमें मेट्रो छोड़ दे ताकि हम कुछ विंडो शॉपिंग कर लें। तो ये हम आ गए मेट्रो पर एंड होपफुली हम बाद में अपनी साइकिल लेने जाएंगे। मैं और हाशिर यहाँ फर्स्ट टाइम आया मेट्रो पर, और हाशिर को ये वाली जगह पसंद नहीं आई क्योंकि इसको सिर्फ साइकिल चाहिए थी। मैं घर से नहा के आई थी और मेरे बाल अभी तक गीले थे, तो मैंने सोचा कि मैं धूप में खड़ी हो जाती हूँ। ये हम आ गए मेट्रो के अंदर और हाशिर को शुरू में ही साइकिल्स मिल गई हैं। ये देखें, गर्ल्स के लिए इतनी प्यारी पर्पल एंड पिंक साइकिल्स पड़ी हैं। और ज़रा इनकी प्राइसेस भी चेक कर लें। ओ भाई, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। चलें, हाशिर तो अपना पहले शौक पूरा कर ले। देखिए, मुझे भी बुला रहा है, कह रहा आप भी आ जाओ अभी। और ये हम मामा की फेवरेट जगह पे आ गए हैं जहाँ पर बहुत सारी कुकिंग की चीज़ें हैं। वाओ, ये तो बहुत फंकी कलर्स के बर्तन हैं। वेरी नाइस एंड कलरफुल। और ये देखिए, ये तो पूरा वाइट बर्तनों का सेक्शन आ गया है। ये देखिए, वुडन स्पून्स है और इधर किचन की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इस पे लिखा ब्ला ब्ला। कहाँ ब्ला ब्ला? ब्ला ब्ला लेना आपने? नहीं, ब्ला ब्ला नहीं लेना। I like this. ब्ला ब्ला। कलरफुल है ना? ये कलरफुल सी चीजें हैं जिसमें हम रोटी रखते हैं, और वैसे कॉमनली हमारे घर में इसको छाबी कहते हैं या फिर चिंगेर। और हाँ, आपके घर में इसको क्या कहते हैं आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। ये देखिए, ऐसे छोटे बड़े हमारे पास घर में बाउल पड़े हैं। यहाँ पर मैं अपनी मम्मा को कुछ प्लास्टिक बॉक्स दिखा रही हूँ क्योंकि उनको प्लास्टिक बॉक्स का बहुत शौक है और वो बहुत ज़्यादा बाय करती है।
ये पूरा बहुत बड़ा टॉय सेक्शन था और आशिर इसी टॉय सेक्शन में कहीं घुमा हुआ था। और फाइनली आशिर पकड़ा गया। वो रहा देखिए। और एक साइड पे पूरा गारमेंट्स का सेक्शन था। ये मम्मा बार बार इस कुकर को देख रही थी। लगता है मम्मा को पसंद आया। और मम्मा ने कहा इसको ट्रॉली में रख लो। और ये जा रहा है ट्रॉली में डुम डुम डुम। ये देखे हाशिर बिल्कुल मंकी का फ्रेंड लग रहा है। और यहाँ हमें दिखी कुछ पॉपकॉर्न बकेट्स और हमने अपनी अपनी चूज करना स्टार्ट कर दी। ऊपर भी पड़े पीछे भी हैं। और ये देखिए हम दोनों ने चूज कर लिए हैं और आपने सच सच बताना है किसकी ज्यादा प्यारी है। ये देखिए यहाँ पर बारबेक्यू का भी कुछ सामान है। बारबेक्यू की ग्रिल्स, कोयले और कुछ सीखें। और ये देखिए इस तरह कोयले के बॉक्सेस बने हुए थे। ये है हमारी थोड़ी सी विंडो शॉपिंग और चलते हैं इसका बिल कराते हैं। ये और ये हम जा रहे हैं बाहर। और देखें सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। और ये हम आ गए हैं रिफ्रेशमेंट सेंटर कमर्शियल में। वहाँ से आपको भूख लगी है? भूख लगी है। क्या खाना है? समोसे। गर्मी तो लगे। समोसे खाने हैं आशिले? और चावल दही। चावल और दही यहाँ कहाँ से मिलेंगे? चावल और दही मेरे बेटे को मिल्क शेक भी पीना है और आइसक्रीम खानी है और समोसे और भूख लग रही है। कुछ भी मिल जाए खाने को बस खा। साइकिल की एक्साइटमेंट में हम बगैर नाश्ता किए आ गए थे एंड हमें इतनी भूख लग रही थी और हमारा बाहर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था गाड़ी से, तो हमने गाड़ी के अंदर ही बैठ के नाश्ता कर लिया। और नाश्ते में था जी हलवा, पूरी, चने, कुलचे वो भी गर्मा गर्म, और ठंडी ठार मीठी लस्सी। और ठंडी ठंडी लस्सी पीकर मुझे मज़ा ही आ गया। एक तो गर्मी थी, ऊपर से मामा ने इतने मोटे हमें कपड़े पहना दिए। और ये हम आ गए हैं मरी रोड कमेटी चौक में। और अब लेट्स सी कि हमें अच्छी साइकिल कहाँ से मिलती है। और यहाँ पर बहुत सारी साइकिल्स की शॉप है एंड आई होप सो कि हमें कोई तो अच्छी साइकिल मिल जाएगी। और ये देखें अंकल ने मुझे साइकिल पे बिठा दिया है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मुझे बगैर सपोर्टिंग व्हील्स के साइकिल आती ही नहीं है चलानी। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली मैं जल्दी सीख जाऊंगी।
मुझे साइकिल आती नहीं है चलानी और इसको इतनी जल्दी है कि मैं पीछे बैठ जाऊं। और हाशिर साइकिल्स की बेल चेक करने में बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि अब समर स्टार्ट हो रही है और समर्स में साइकिल चलाने का बहुत मज़ा आता है। और जो लोग न्यू साइकिल्स ले रहे हैं वो ज़रूर कमेटी चौक को आके विज़िट करें। और ये देखिए अंकल हाशिर को साइकिल चलवा रहे हैं और यहाँ इस शॉप में भी साइकिल्स की बहुत अच्छी खासी प्राइस है, कम नहीं है। बस बस ठीक है। अच्छा आपको अच्छी लगी साइकिल? ये चेंज करनी है? साइकिल वो दूंगा इंशाल्लाह, याद करो कोई चीज भी है। इसमें कलर ये भी है, इसमें कलर ये भी है, ब्लैक भी है, सिल्वर भी है, चार पांच कलर। मामा आपको कौन सा कलर पसंद है? 20 साइज आप कह रहे हैं, कितने का फाइनल? 20 साइज जींस में तो मिल का दूंगा। 16 साइज बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है? स्टार रिम के अंदर अगर स्पोक में लोगे तो कम रेट दूंगा, स्पोक का रेट कम। हाशिर ने तो खूब मजे किए साइकिल ट्राई कर करके। ये भी बहुत बड़ी शॉप है लेकिन यहाँ पर वो साइकिल नहीं है जो हमें चाहिए। नहीं नहीं ऐसी पहनो, ऐसी पहन के देखो बेटा, जब बाय करेंगे फिर इसको उतारेंगे ना। अभी नहीं बाय, अभी साइकिल बाय करके फिर। और ये देखें हाशिर ने अपना स्पाइडरमैन वाला हेलमेट भी चूज कर लिया। हाशिर ने तो अपनी ये साइकिल और ये हेलमेट चूज कर लिए और अब रह गई हूँ मैं। तीन साइकिल पसंद आई है और मैं सोच रही हूँ मैं इसको फाइनल कर दूँ। इसमें बहुत सारे और भी कलर्स थे लेकिन मेरा फेवरेट कलर रेड था तो मैंने रेड चूज़ किया है। ये साइकिल रॉक्सी ब्रांड की है और ये स्पोर्ट्स साइकिल है। इसके अंदर शॉक सिस्टम भी है और ब्रेक भी बहुत अच्छी काम करती है। जो शॉपकीपर थे उन्होंने इसके सारे फीचर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। बहुत बड़ा है? नहीं नहीं ठीक है ये वाला। अब ब्लैक अच्छी है या रेड? रेड अच्छी है, रेड अच्छी है ना। मुझे ये साइकिल बहुत पसंद आई है इसलिए मैंने ये फाइनल करा लिया। एंड इतनी बार्गेनिंग के बाद मेरे बाबा ने इसको 18,000 करवाया वरना तो वो 22 में दे रहे थे। और ये है मेरी ब्यूटीफुल साइकिल। और ये देखिए मेरा हेलमेट, आपको पसंद आया है? नहीं और यहाँ ये अंकल मुझे बता रहे हैं कि सीट ऊपर नीचे कैसे करनी है। और हमारी साइकिल्स रेडी हो गई हैं गाड़ी में जाने के लिए। ये कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हैं साइकिल पे लगाने के लिए और टाइम हमारे पास कम था तो हमने सोचा कि हम बाद में आके लगवा सकते हैं। और वैसे मैंने एक हल्की फुल्की सी बेल लगा ली थी, रिंग रिंग। और यहाँ हमारे मामा बाबा हमसे पूछे थे कि आप हैप्पी हो या नहीं। हमने रोज़ मामा बाबा को तंग करके रखा हुआ था कि हमें साइकिल ले दे और आज वो डे था और हमने आज का मिशन कंप्लीट कर लिया। फाइनली
द साइकिल मिशन इज कंप्लीटेड एंड वी आर वेरी हैप्पी। और मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है क्योंकि मुझे साइकिल नहीं आती चलानी। पहले मेरी साइकिल अंदर गई और वो पूरी नहीं आ रही थी, और इस वजह फिर हमने इसको बाहर निकाला और हाशिर की अंदर ठूसी और मैंने अपनी साइकिल सीट पर रखवा दी। ये देखे। So if you like my video, then subscribe my channel and click the bell button. See you next time. Allah Hafiz.